तो अभी बहुत ही सुबह हो रही है और मैं भी अभी उठी हूँ और बस शाम को पंडाल प्रोग्राम से आए, बोटिंग कल नहीं हो पाई थी तो आज करेंगे। और मैं ना सुबह सुबह बहुत सारी सर्विसेज करे बहुत सारी सर्विसेज करी हैं और 40 मिनट मुझे लगभग रिप्लाइज में ही लग गया, क्योंकि कितने दिन से जो मैसेज वगैरह थे मैं रिप्लाई नहीं दे पा रही थी। तो मेरा हाथ थक गया, से मैंने कैमरा नीचे कर लिया, सुबह सुबह ट्राइपॉड नहीं लगाया अभी। तो बस अभी स्नान करने जाऊंगी और कल बहुत सारे कपड़े धोए थे और वो सब सूख भी गए हैं। मैंने अभी भी फटाफट फोल्ड लगा दिए और बैग में एकदम सेट कर दिए हैं और अभी के कपड़े भी मैंने धो दिए हैं मॉर्निंग में। कल के कपड़े मैंने धो दिए, जो अभी हम चेंज करेंगे वो भी मैं धो के जाऊँगी और सुखा के भी जाऊँगी, क्योंकि हो सकता है आगे का कहीं और जाने का प्रोग्राम हो सकता है हमारा। तो बस आप सबको इन्फॉर्म करना था। और कल जो है ना बहुत ज़्यादा शूटिंग नहीं हो पाई, क्योंकि जितने भी दर्शन थे ना वहाँ पे कैमरा बिल्कुल अलाउ नहीं था और इतने सुंदर लग रहे थे भगवान। वहाँ पर बताऊँ कि दो शिवलिंग हैं जो कि बालू से बनाए हैं, वो सीता मैया के द्वारा निर्मित है, और एक जो है वो अब जाएंगे तो दूसरी साइड पे भी है, वो हनुमान जी जो है कैलाश पर्वत से लेकर के आए थे। और वहाँ पे हनुमान जी का मंदिर भी है बहुत सुंदर। तो फिर कभी शेयर करूँगी किसी ब्लॉग में स्टोरी। और दर्शन के लिए बता रही थी मैं, दर्शन के लिए ये बता रही थी कि वहाँ पे ना 22 कुंड है और 22 कुंडों में स्नान होता है वहाँ पर, और वो सीधा पानी डालते इतना अच्छा लग रहा था। और कैमरा वगैरह अलाउ नहीं, और वैसे भी लेके नहीं जाना चाहिए मुझे लगता है, क्यों हर जगह पर कैमरा लेके जाना है, हर जगह कैमरा अलाउ होना भी नहीं चाहिए। और बहुत ही मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सुंदर, बहुत सुंदर जगह है। और बस आज हम सारे दर्शन हो गए हमारे, बहुत सारी जगहों के दर्शन हो चुके हैं। बस अभी हम जो है आज अभी फिर से हम रामेश्वरम टेम्पल जाएंगे, तो मणि दर्शन करेंगे वहाँ पर। मॉर्निंग में जो दर्शन होते हैं उन्हें मणि दर्शन कहा जाता है, वहाँ जाएंगे और फिर से हम दर्शन करेंगे भगवान शिव के। तो चलिए अभी हम इस ब्लॉग को आगे बढ़ाते हैं। कैसा वॉइस भी आप लोगों को हमारी होगी जो ब्लॉग्स आ रहे हैं, बट कोई बात नहीं, आप सब मैनेज कर लीजिए, मेरी आवाज़ ठीक हो जाएगी फिर अच्छी आवाज़ आएगी आपको। तो चलिए अभी सब फटाफट से करना है, क्योंकि फिर से दर्शन करने जाएंगे ना। तो बाकी मैं आपके साथ पूरा दिन शेयर करने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है। हरे कृष्णा। और मुझे नहाने की बहुत जल्दी हो रही है इसलिए बाद में बात करते हैं। हरे कृष्णा। और पूरा सर में वो भरा हुआ है, क्या कहते हैं उसको, रेत कहते हैं ना, तो बालू भरा हुआ है हल्का, ज़्यादा नहीं भरा पर है। तो आज मैं हेयर वॉश भी कर लेती हूँ, एकदम रेडी हो जाती हूँ। और साउथ इंडियन साड़ी पहनूँगी आज मैं, तो साउथ इंडियन साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है और मेरे पास है भी है, तो मैं वो लेके भी आई हूँ, तो आज मैं पहनूँगी। गर्मी तो है यहाँ पे, बट कोई बात नहीं, एक दिन के लिए, क्योंकि रामेश्वरम टेम्पल में दर्शन करने जा रही हूँ, तो जैसे जाते हैं वैसे जाऊँगी। प्रभु जी को कॉल आ रहा है, मैं बाद में बात करती हूँ। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, शॉपिंग चल रही है
और साथ में अभी हम सभी दर्शन करके आ चुके हैं, तो बहुत अच्छे हुए। हाँ, बहुत ही पैसे हुए ना, बहुत सुंदर दर्शन हुए ना, बहुत बढ़िया दर्शन हुए। नवमी वाले दिन, नवमी वाले दिन, और कल हमने 22 कुंड स्नान किया सोमवार के, सोमवार के दिन बहुत सुंदर दिन, भगवान शिव का दिन। पीछे ये देख सकते हैं मंदिर, अंदर में आपको दिखा दिया ना, फोन अलाउड नहीं है, तो बिल्कुल अंदर नो ब्लॉगिंग। और चलिए अभी पंडाल चल रहे हैं, चलिए अभी रामेश्वरम टेम्पल के दर्शन कर चुके हैं हम सभी, और अभी हम पैदल पैदल जा रहे हैं पंडाल की तरफ। पंडाल यहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पे ही है, हमारे रूम जहाँ पे है ना वहाँ से सब चीज़ पास पास है ना माता जी। यस माता, आपका तो और ही पास है, मेरा भी 5 मिनट वॉकिंग डिस्टेंस है। यू डोंट नीड एनी ऑटो एंड ऑल, जाइए और फटाफट से होके रूम से आ सकते हैं। अभी प्रसादम के बाद मैं कपड़े सुखाने जाऊँगी, कपड़े धोए नहीं तो गीले कपड़े लेके पड़ेंगे। हाँ, लेक्चर हो चुका है, अभी लेक्चर के बाद हम सब आ चुके हैं प्रसादम ग्रहण करने, और प्रसादम बहुत डिलीशियस है यहाँ का, है ना, प्रसादम इज़ सो डिलीशियस। मैं भी सभी भक्तों से मिलवाऊँगी, क्योंकि आज सब भक्त बैठ करके साथ में प्रसाद ग्रहण कर रही है माता जी। तो हैव अ लुक, हरे कृष्ण बोलते सभी डिवोटी, यम्मी यम्मी प्रसादम, प्रियंका माता जी के हाथ से पापड़, ठीक है, पापड़ पापड़ माता जी पापड़ खिला रही हैं आपको, राधे का हेल्दी हेल्दी खीरा टमाटर तोड़िया डाल, कोई हलवा भी, ये डोसा वाला आलू है माता जी, यस माता, मीठा भी खिला लो, तो जिसको डोसा नहीं मिला फीलिंग होती है, हां फीलिंग है, पूरी खा लीजिए, लीजिए हलवा खाइए खाइए, और ये आलू बैंगन जाए, इतनी सारी रेसिपीज है मैंने देखा भी नहीं। तो चलिए मिलेंगे अभी हम प्रसादम के बाद, पानी पी लो, साथ में पानी पी, सब बहुत थके हैं लेकिन उत्साह की कोई कमी नहीं है। अभी बोटिंग करने जाऊंगी मैं, अभी ये नहीं पता किस टाइम जाऊंगी, कल आप सबको दिखाया था बोटिंग हम कर नहीं पाए थे लेकिन, और गला पहले से थोड़ा सा ठीक हो गया है, तो मे भी ओवर वॉइस ठीक हो जाएगी अभी, तो ठीक है मैं प्रसाद ग्रहण कर लूँ उसके बाद मिलती हूँ आप सबसे। हरे कृष्णा, हमारे एक माता जी रह गए थे वो भी आ चुके हैं, हरी वो माता जी आपकी साड़ी बहुत अच्छी लग रही है, बहुत ब्यूटीफुल लग रहे हो आप, देखो माता जी पूरा साउथ इंडियन लुक में है हमारे, गजरा भी लगाया है माता जी ने, है ना परी। हरे कृष्णा, तो अभी फिर से बोटिंग के लिए आ गए सब और बोट का वेट कर रहे हैं, बोट का आ रही है, अभी जा रही है, और नेक्स्ट जो बोट आएगी उसमें हम लोग जाएंगे। चलिए माता जी और मैं हम दोनों हैं कांजीवरम साड़ी, तो बहुत देर के बाद नंबर आ चुका है, अभी हम सब लोग इधर से जाएंगे, कितनी भीड़ है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, जो वहाँ से लोग आ रहे हैं और चढ़ने वाले उनको ज़्यादा सही से उतरने नहीं दे रहे, उतरने वाले उतरे नहीं, चढ़ने वाले पहले चढ़ रहे हैं, मुझे लगता है जो उतर रहे थे ना उनको फिर से वापस बोट पे जाना पड़ेगा, फिर से उनको बोटिंग करनी पड़ेगी, ठीक है फिर हमें अंदर जाने देंगे, पर भीड़ बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, आप देख सकते हैं ये पुल है, और हम जा रहे हैं अपने बोट पे, यहाँ पे हमने कल स्नान किया था वो प्लेस है। चलिए अभी आगे तो पीछे से आ रहे हैं, देखो फिशेस कैसे दौड़ रही हैं, देखे आप, देखा आपने दौड़ते फिशों को, नहीं बहुत सारी एक साथ, ना ना ना। तो
अभी मुझे कह रहे, वो मुझे कह रहे अंजना को भी फ़ोन अंदर रख ले, तो फ़ोन कहीं समुद्र में गिरा दे। तो नीचे पूरा फिशेज ही फिशेज है, मैं पास से दिखा रही हूँ क्योंकि ये वहाँ से पुल है ना, यहाँ पर मैं दिखाती हूँ। हाँ दिख तो रहा है, इसमें इन्हीं पे दिख रहा होगा इनको। तुम लोग प्यारे हैं। चलिए अभी बोट में चलते हैं, कल से आपको लेके जाने का कोशिश कर रही हूँ लेकिन पॉसिबल नहीं हो पा रहा, शाम हो गई थी ना, शाम को लहरें ज़्यादा होती हैं। नहीं नहीं मुझे आइए, मेरे हमारे माता जी हैं सबसे पहले के, तो अभी बैठ के बात करेंगे। चलो पहले अंदर चलते हैं। कहाँ से आए हो आप? ठंडे से ले कोई बात नहीं, सब गुरु महाराज तो ठीक है। हरे कृष्ण बोल दो सभी का। हरे कृष्ण। बोटिंग करने आए हो? और मम्मी आई हैं साथ में? पापा कहाँ हैं? ठीक है ठीक है, हरे कृष्ण। हाँ हरे कृष्ण। अभी हम सब साथ में जा रहे हैं बोट में, बहुत सारे भक्तगण हैं इधर में। राधिका ये रही राधिका, और सभी डिवोटीज यहाँ भी बैठे हैं अच्छे से, और ये हमारी माता जी जिनको आप जानते हैं। मेरे पानी का बोतल रख दो यहाँ पर। अभी हमने जो है वहाँ पर तट छोड़ दिया है और अब हम जाएंगे, और आँख भी अब अच्छा लग रहा है क्योंकि इतना तेज की रोशनी पड़ती है ना, इसलिए गॉगल्स लगाने पड़ते हैं। मैंने गॉगल्स उतार दिया, अब अच्छा लग रहा है क्योंकि छाया में आ गई ना मैं। अब थोड़ी दूर पे जाएंगे फिर आपका ये वाला कैमरा फिर से ऑन करेंगे। जो हमारी राइड जो थी ख़त्म होगी, आधे घंटे की राइड थी और पर पर्सन यहाँ पे 100 रुपीज़ लगे थे। Long shape.
अभी बोटिंग करके आ गए फाइनली और रूम पे जा रहे हैं। बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है अभी तो, अभी नहीं नहाना है, कपड़े गीले सूखने के सूखते नहीं है। हरे कृष्णा टू ऑल। तो बस यहाँ पर राधिका और मैं थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, 2 घंटे कम से कम, और उसके बाद हमें जाना है मदुरई। मदुरई के बाद हम जाएंगे श्रीरंगम टेम्पल। और यहाँ पर सारी की सारी पैकिंग जो है वो हो चुकी है, और इसमें प्रभु जी ने मेरी काफ़ी हेल्प कर दी, क्योंकि आते समय की पैकिंग मैं बहुत इजीली कर लेती हूँ, लेकिन जाते समय जो है पैकिंग थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्ट हो जाता है, तो प्रभु जी ने हेल्प कर दिया इसमें मेरा। और सारी की सारी चीज़ें मैंने ऑर्गेनाइज कर दी हैं, पानी की जो बॉटल है अभी मैं फिल कर रही हूँ, मेरे हेडफोन गिर गए थे, तो सब की सब चीज़ें जो मैं एक बार चेक कर लूँगी, कोई चीज़ रह ना जाए रूम में। तो बस अभी आज का व्लॉग हम यहीं तक रखेंगे, और आगे भी जो है श्रीरंगम टेम्पल के दर्शन, और मदुरई में हम गए थे महालक्ष्मी टेम्पल, और बहुत ही सुंदर दर्शन हुए थे वहाँ पर। तो चलिए आज का व्लॉग मैं यहीं तक रखती हूँ, और बहुत ही जल्दी मिलूँगी आपको नेक्स्ट व्लॉग में। इसके आगे का कंटिन्यूशन पार्ट आप देखिएगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों से लगे रहिए। हरे कृष्णा।